अनु बाखर ने तिरंगे की बढ़ाई शान, दूसरा मेडल जीत कर की 124 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी। मारी छोरियां छोरों से कम है के कहावत हरियाणा में जन्मी 22 साल की मनु बाखर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पूरे देश में हर किसी के मुंह से मनु के लिए वाह, बेटी तुम पर गर्व है निकल रहा है। हो भी क्यों ना, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु बाखर ने इतिहास जो रच दिया है। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन मनु बाखर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने उतरे और इन दोनों की जोड़ी ने कोरिया की ओ ये जिन और ली वोन हो की मिक्स्ड जोड़ी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मनु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरा पदक अपने नाम किया और इस दौरान उन्होंने इतिहास रच दिया। मनु बाखर किसी एक ओलंपिक एडिशन में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उनसे पहले आज तक कहीं भी महिला ने ऐसा कारनामा नहीं किया। मनु ने इस दौरान 124 साल पुराने एक रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। मनु बाखर ने दूसरा कांस्य पदक जीतकर कर ली 124 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी। दरअसल मनु बाखर से पहले 1900 ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता था। उस वक्त ब्रिटिश शासन था, लेकिन आजादी के बाद मनु बाखर एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। 30 जुलाई 2024 को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत के सरबजोत सिंह के साथ मनु मैच खेलने उतरी। इससे पहले मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। उस शूटिंग में भारत को पहला मेडल जिताने वाली निशानेबाज बन गई थी। इसके बाद मनु ने आज भारत को एक और मेडल दिलाकर खुद को यह साबित कर दिखाया है कि कोई उनका सानी नहीं है। ओलंपिक शूटिंग में अब कुल मेडल की संख्या 6 हो गई है।